परिषदों के खिलाफ जो है ये विरोध हो रहा है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर हल्ला बोल, अलग अलग संगठनों का निगम ग्रेटर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेन डाउन हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों नौकरशाहों में फिर टकराव हो सकता है। नगर निगम कर्मचारी ट्रेड यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन और कुछ ही देर में निगम ग्रेटर मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। हालांकि अभी जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे उसके लिए प्रदर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं ट्रेड यूनियन के लोग हों या फिर उस कर्मचारी यूनियन के जो लोग हों वो सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाए आरोप के बाद गुस्सा है और साधारण सभा की बैठक में अफसरों पर आरोप लगाए गए थे। सभा में अन्य समाज के लोग आज जो सफाई काम में गए हैं उनकी हाजिरी पार्षद प्रमाणित करने को लेकर विरोध है, क्योंकि साथ में अन्य समाज के लोग भी थे जो सफाई काम में गए और उनकी हाजिरी पार्षद प्रमाणित करने को लेकर विरोध, क्योंकि कल ये जो विरोध हुआ था उस विरोध के बाद अब जो कर्मचारी यूनियन है चाहे वो ट्रेड यूनियन हो वो अधिकारियों के साथ में आ गए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षदों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ग्रेटर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप के बाद गुस्सा है और इस गुस्से को प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यालय पर पहुंचकर निगम मुख्यालय पर पहुंचे हैं ये सभी लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं। साधारण सभा की बैठक में अफसरों पर आरोप लगाए गए थे और इस आरोप के बाद इन सभी में गुस्सा है। साथ में अन्य समाज के लोग जो सफाई काम में गए हैं उनकी हाजिरी पार्षद प्रमाणित करने को लेकर भी विरोध है। तो विरोध आज जताया जा रहा है नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर, ये हल्ला बोल, अलग अलग संगठनों का निगम ग्रेटर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेन डाउन हड़ताल के साथ ये विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने की वजह कि कल जो पार्षद थे वो कुछ आरोप लगा रहे थे अधिकारियों पर और अधिकारियों के साथ अब ये कर्मचारी आ गए हैं, ये संगठन आ गए हैं और ये विरोध करते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों नौकरशाहों में फिर से टकराव की स्थिति हो सकती है और वो टकराव की स्थिति ऐसे कि आज ये सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, ये हल्ला बोल कर रहे हैं मुख्यालय पर। वहीं जो पार्षद है बीजेपी की उनको कहा गया है कि आज साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं होना है, यानी कि आज बैठक नहीं होगी, ये स्थिति साफ है। और भारत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, भारत तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार का घटनाक्रम साधारण सभा की बैठक में घटा था, अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लगाया था, उसी के समर्थन में आज तीन संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार सफाई संगठन की बात की जाए, ट्रेड यूनियन की बात की जाए, तमाम संगठनों की ओर से अधिकारी अब अधिकारियों के समर्थन में यहाँ पर उतर आया और पार्षदों के खिलाफ लगातार नारेबाजी अब यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कल जिस प्रकार का घटनाक्रम साधारण सभा की बैठक में घटा था, पार्षदों के द्वारा कई तरह के आरोप यहाँ पर अधिकारियों पर लगाए थे, उसके बाद अधिकारियों ने सदन का वॉकआउट किया था और आज जिस प्रकार से साधारण सभा की बैठक को स्थगित किया था उसके बाद तीन संगठनों की ओर से अधिकारियों का समर्थन है वो यहाँ पर किया गया है और पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कल जिस प्रकार का घटनाक्रम साधारण सभा की बैठक में घटा, बिना तथ्यों के पार्षदों की ओर से अधिकारियों पर आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, उसके बाद संगठनों में नाराजगी यहाँ पर देखी गई और इनका कहना है कि तमाम जितने भी पार्षद हैं जिन्होंने बिना तथ्य के आरोप लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाए। जिस प्रकार की तानाशाही यहाँ पर पार्षद कर रहे वो नहीं चल रहे देखा। अच्छा, इन कर्मचारियों से जरा बातचीत कीजिए, भारत के किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, क्या इनकी वजह रही है? देखिए बिल्कुल मेगा, इनसे बात करने की कोशिश अब वो यहाँ पर कर सकते हैं। कल जिस प्रकार का घटनाक्रम साधारण सभा की बैठक में घटा उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी दिन रात किसी भी परिस्थिति के अंदर दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, उसके बावजूद बेबुनियाद झूठे आरोप कर्मचारी अधिकारियों पे लगाए जाते हैं जो उनकी भावनाओं को आहत होता है। तो हम यही कहेंगे इस प्रकार के अगर आरोप लगाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे सब कर्मचारी अधिकारी। अच्छा, आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, कब तक ये पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी? आधे दिन।
आधे दिन की पेन डाउन हड़ताल है। और भी कुछ यहाँ पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। कल जिसके प्रकार का घटनाक्रम घटा, आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपके अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए, उसको लेकर बहुत ही निंदनीय घटनाएं है हमारे लिए और सभी कर्मचारी हम इसमें एक हैं। कर्मचारियों ने कोरोना काल से लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण तक इतना बढ़िया काम किया है, फिर भी आज उन पर ये आरोप प्रत्यारोप, बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो कि इनकी हम घोर निंदा करते हैं। और सब कर्मचारी एक हैं और कर्मचारी संगठन सारे मिलकर इसकी पुरजोर आवाज उठाते हैं। देखिए बिल्कुल मेगा, आपने सुना कि जिस प्रकार से कल का जो घटनाक्रम यहाँ पर घटा था, उसके बाद कर्मचारियों में बेहद यहाँ पर रोष है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक बेहद सराहनीय काम यहाँ पर किया, कोरोना काल में भी लगातार वो सफाई कर्मी यहाँ पर डटे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार कल साधारण सभा की बैठक में पार्षदों की ओर से जो आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, उसके बाद बेहद रोष इन कर्मचारियों में व्याप्त, लगातार ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज पेन डाउन हड़ताल यहाँ पर है, यानी कि आधे दिन तक ये कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई काम है नगर निगम के अंदर नहीं होगा और ये तमाम जितने भी कर्मचारी है वो यहाँ पर हड़ताल पर रहेंगे। जी मेगा, लेकिन भारत देखे ये टकराव जो है अक्सर देखने को मिलता है अधिकारियों और पार्षदों के बीच में, ये टकराव अक्सर देखने को मिला, लेकिन अब इसका हल क्या होगा? क्या इसी तरह ये टकराव चलता रहेगा, ये जो अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है, या जो अधिकारी टकराव करते हैं, जो बात कहा जाता है पार्षदों की तरफ से कि शिकायतें कर्मचारियों के लिए है, वही कर्मचारी कहते हैं या अधिकारी कहते हैं काम करते हैं लेकिन पार्षद नहीं समझते, ये टकराव की स्थिति कब खत्म होगी? देखिए मेगा, आम जनता के विकास के लिए, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जिस प्रकार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये टकराव जो देख पा रहे हैं, ये कोई सुखद संदेश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ये वो ही कर्मचारी हैं जो आम जनता के बीच में रहकर सफाई करते हैं या फिर अन्य तरह के काम यहाँ पर करते हैं। अगर इस प्रकार का टकराव पार्षदों और अधिकारियों के बीच में देखा जाएगा तो आम जनता की जितनी भी समस्या होती है, बिल्कुल आम जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को सुलझाने की जरूरी ये है कि टकराव खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत पूरी जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए।